कर रहे हो आप? तुम इतना कुछ बोल गई ना, अब मेरी बात सुनो। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि ऊपर जो कुछ भी कहा तुमने, तुमने अपने दिल से कहा। वो अल्फाज, वो लफ्ज, वो शब्द सब तुम्हारे थे, क्योंकि डायरी तो एम्प्टी थी, उसमें कुछ भी नहीं लिखा था, है ना? वो गहराई, वो एहसास, वो फीलिंग जिससे तुमने वो सब कुछ कहा, वो मेरे लिए थे ना? कहा कि नहीं, बताओ मुझे। मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं जिंदगी की गहराइयों को समझ पाऊंगा, लेकिन आज मैंने रियलाइज किया है कि लाइफ की सबसे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस ही हमें एहसास दिलाती है कि हमें लाइफ में चाहिए क्या, हमारे दिल को क्या चाहिए। और दिल की बात कभी नकारनी नहीं चाहिए। इंसान इंसान को पहचानने में चूक जाता है, लेकिन दिल नहीं। एक सेकंड में वो पहचान लेता है कि उसे क्या चाहिए। और जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा था ना, आंखों से नहीं दिल की नजरों से, तब मैं पहचान गया था कि तुम्हारे दिल और मेरे दिल में कोई रिश्ता है। और तुम कुछ भी कह लो, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि ऊपर तुमने जो कुछ भी कहा वो यूं नहीं कहा। अब तुम कहोगी कि तुमने सब कुछ सुहानी के लिए कहा था। सच बोलो प्रतीक्षा, क्या तुम मुझे सच बोलने से रोकना चाहती थी या अपने आप को रोक नहीं पाई? बताओ प्रतीक्षा, सच से तुम भाग सकती हो, लेकिन अपने किस्मत से नहीं। मुझे ही देख लो, मैंने अपने दिल की एक नहीं सुनी जो मुझे कह रहा था कि सुमो से शादी मत करो क्योंकि तुम उससे प्यार नहीं करते। और आज मैं सुमो से रिश्ता इसलिए नहीं तोड़ना चाहता कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मैं इसलिए तोड़ना चाहता हूं कि शी डिजर्व्स बेटर, शी डिजर्व्स समबडी जो उसे प्यार करता है, समबडी हु लव्स हर, नॉट मी। मैं नहीं जानती आप मुझसे प्यार करते हो या नहीं, और मैं जानना भी नहीं चाहती। पर अगर ऐसा कुछ भी है तो आप सुहानी से कुछ नहीं करके मेरी खाते। जैसे सुहानी आपसे प्यार करती है, वैसे ही मैं भी प्यार करती हूँ। प्रशांत जी से